जय हिंद एवरीवन तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस यूनिट नंबर वन क्वांटम जो हमारा है दोस्तों यू जो हमारा ए के टू का यूनिट नंबर वन सिलेबस उसके बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में दोस्तों तो हम बात करते हैं अपने इस स्टार्टिंग करते हैं जो कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इवॉल्व हुआ कैसे हमारे यहाँ कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस वर्ल्ड में कैसे डेवलपमेंट हुआ तो उसके हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा कैसे उसका जर्नी रहा कि कैसे वो एक्सप्लोर कर सका क्या उसके पास्ट है तो बात करते हैं हम अर्लियर एकदम बहुत जब हमारा एट्टीन सेंचुरी था हमारा दोस्तों एटीन नाइनटी सेंचुरी के मिड में हमारा कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ दोस्तों जब हमारा इलेक्ट पहली बार जब हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना था जो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा जो कार था दोस्तों वो उस समय पूरा टोटली जो हमारा हमारा उस समय टोटली इलेक्ट्रिक कार डेवलप नहीं था बल्कि उस समय हमारा क्या था एक कम कम से जैसे आप कह सकते हैं आज के समय आप रिक्शा देखे होंगे वो केवल क्या था उसी टाइप का बस इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा क्या हुआ था डेवलप हुआ था अभी हम यहाँ पे आपको पिक एक डायग्राम भी दिखाएंगे फोटो भी दिखाएंगे इमेज भी दिखाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ दोस्तों अगर बात करें एटीन सेंचुरी में दोस्तों तो एट्टीन द मिड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ऑल्सो एटीन नाइनटीन के बीच में दोस्तों उस समय क्या हुआ था कि हमारा उतना ज़्यादा मतलब कि कंट्री उतनी ज़्यादा कंट्री डेवलप नहीं की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल सिंगल या इंडिविजुअल बोल सकते हैं कि जो कि डेवलप की थी पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों जब हमारा 1800 में कुछ सिंगल कंट्री थी उस समय कुछ कंट्री जैसे हमारी हंगरी हो गई नैदरलैंड हो गया यूएस हो गया कई सारे ये तीन चार कंट्री थी मुश्किल से जो कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर क्या कर रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दोस्तों एक्सपेरिमेंट कर रही थी उस पर वो देख रही थी कैसे किस टाइप का हम बैटरी यूज करें जब किस टाइप का हम बैटरी यूज करें जिससे क्या हो हमारा ड्यूरेबल हो लॉन्ग रेंज तक हो ये कई सारे उस पर क्या हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे बैटरी पावर्ड व्हीकल पे दोस्तों तो उस समय जो, थे हमारे एक black, जो black का हम क्या कर सकते हैं डेवलप किए थे उस समय पे। वहीं ब्रिटिश जो थे रॉबर्ट एंडरसन है वो पहली बार जो हमारा क्रूड इलेक्ट्रिक मतलब क्रूड इलेक्ट्रिक मतलब क्या है दोस्तों क्रूड इलेक्ट्रिक मतलब वही है कि जो मतलब बचा जो क्रूड आप कह सकते हैं इसे क्रूड ऑयल होता है सही क्रूड इलेक्ट्रिक होता है, जो कि पहली बार हमारा क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था और प्रैक्टिकल लेवल पे पहली बार प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल जो हमारा डेवलप हुआ था, वो हमारा 18 जो हमारा 1830 के बीच में हुआ था, किसके द्वारा दोस्तों, जो कि हमारे रॉबर्ट एंडरसन थे। उनके द्वारा क्या हुआ था ये हमारा पहली बार डेवलप हुआ था फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होता चला गया प्रोग्रेस हो रहा है तो उसके बाद सेकेंड टाइम्स हमारा जो दोस्तों हुआ था विलियम मॉर्सन जो हमारे डिबर्ट थे एट्टी में दोस्तों ये यूएस के एक केमिस्ट्री है जो पहली बार क्या किए थे पहली बार हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे कार हैं उसको बनाने में वो सक्सेसफुल थे उस समय जो वो बनाए थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार था वो सिक्स पैसेंजर तक का वो क्या कर सकता है कैरी कर सकता है और उस समय अगर स्पीड का बात करें तो उस समय चौदह माइल्स आज के समय लगभग तीस किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उनका जो स्पीड था उन्होंने जो एट्टी नाइनटी में जो कार डेवलप किया था वो हमारा डेवलप हुआ था दोस्तों यही एक स्पार्क था यही क्या था हमारा एक स्पार्क था कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का उस समय सोचिए चौदह मतलब तीस किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अट्ठाईस तीस के हिसाब से अगर कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय एक स्पार्क था लोगों को उस पर कहीं आप वो देखना चाहते थे आखिर में कैसे इस पे और हम फोकस करें फिर धीरे धीरे टाइम क्या हुआ दोस्तों गोल्डन एज आया गोल्डन अब देखिए में तो स्पार्क हो गया था मतलब एक चिंगारी सा हो गया था कि कैसे माइल पर घंटे वो भी सिक्स पैसेंजर साथ में बैठ के कैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी गोल्डन एज आया गोल्डन एज में जब लोगों एट्टी नाइनटीन में जानने लगे फिर गोल्डन एज में क्या हुआ कई सारे इलेक्ट्रिक कार हमारे क्या उस पर डेवलप होने लगे पॉपुलर होने लगे डेवलप भी होने लगे लोग रिसर्च करने लगे लोग उसके बारे में सोचने लगे कैसे से हम इसको मेंटेनेंस को कम कर सके कैसे हम इसके गैसोलाइन जो वहाँ पे उस समय गैस के ऊपर भी ज्यादा फोकस था हाइड्रोजन के ऊपर फोकस था क्योंकि पहले तो पेट्रोल डीजल तो चले आ रहे थे उस समय हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस था लेकिन कैसे हमारा ये जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट उसका एस्पेक्ट था हमारा कैसे वो डेवलपमेंट हुआ तो उस समय जो दोस्तों एक एक कंपनी थी हैंनरी फ्रोड नाम से जिनको आप जानते होंगे फोर्ड कार से वो कई सारे मॉडल प्रोड्यूस करने लगी उस समय जो पहला मॉडल था हमारा वो मॉडल टी था जो कि डेवलप किया इलेक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल को दोस्तों फिर लेकिन अब क्या करें किसी चीज का जैसे गोल्डन एज आ गया था उस समय लोग रिसर्च कर रिसर्च करे जा रहे थे उस पर वो फोकस करे जा रहे थे लेकिन उसके बाद एक एज ऐसा आया डार्क एज दोस्तों डार्क एज क्यों कर रहे हैं उस समय जो गैसोलीन था दोस्तों गैसोलीन जैसे हाइड्रोजन हो गए हमारे जो गैस हैं हुए वो हमारे मार्केट में क्या करने लगे वो हमारे मार्केट में डोमिनेट करने लगे मतलब गैस आखिर में देखिए कोई भी चीज़ आखिर में ग्रो अप कब होता है जब हमारा डिमांड क्या होता है ज़्यादा होता है लेकिन डिमांड तो उस समय ज़्यादा था लेकिन सप्लाई क्या था दोस्तों उतने लेवल पर था नहीं इसलिए लोगों क्या डाइवर्ट हो गए किसके ऊपर हमारे गैसोलीन के ऊपर डाइवर्ट हो गए उस समय स्पार्क था गोल्डन एज हमारा था एटीन नाइनटीन नाइनटीन नाइनटी वन में दोस्तों लेकिन क्या हुआ नाइनटीन ट्वेंटी में हमारा क्या हुआ दोस्तों जो हमारे मार्केट में जो गैसोलीन था वो अधिकतर क्या करने लगा डोमिनेट करने लगा मतलब उसका सप्लाई ज्यादा होने लगा तो लोग उतना फोकस नहीं कर पाए इसलिए हम कहते हैं इसको क्या डार्क एज क्योंकि उस समय उतना फोकस वो नहीं कर पा रहे थे उस समय तेल हमारे पास क्या था पर्याप्त था ऑयल क्राइसिस नहीं थे ऑयल क्राइसिस नहीं थे सप्लाई ज्यादा था डिमांड उतना था नहीं इसलिए लोग क्या फोकस उतना इलेक्ट्रिक मॉडल के ऊपर नहीं करने लगे स्पेशली जैसे कई सारे उस समय क्या होता था मिल्क डिलीवर डिलीवर करने के लिए ऐसे दूध वाला आप सुने होंगे उस समय वैसे ही वेस्टर्न में हमारे उतना फेमस नहीं हो पाए क्योंकि उस समय ऑयल का डिमांड पर्याप्त हो जा रहा था लेकिन फिर क्या हुआ अब कह सकते हैं जैसे ऑयल क्या है हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं रिसोर्सेज हमारे पास क्या है रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं फिर उसके बाद क्या हुआ हमको उन्नीस में नाइनटीन में हमको इन्वायरमेंटल कंसर्न देखने को मिला ऑयल क्राइसिस देखने को मिला तो कहीं ना कहीं ये ऑयल क्राइसिस दोस्तों ये ऑयल क्राइसिस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट में रिन्यू लाने लगे जो हमने इलेक्ट्रिक फोकस नहीं किया था आया और ऑयल क्राइसिस की वजह से ही कहीं ना कहीं हमको डेवलपमेंट फिर से दिखने को मिला यानी हम क्या कर सकते रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट मतलब फिर से उसके ऊपर क्या होने लगा उनका फोकस होने लगा कैसे हम अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सके फिर उसके बाद आता है मॉडर्न इरा दोस्तों अब मॉडर्न इरा में क्या था मॉडर्न इरा में दोस्तों क्या था कि कई सारे कंपनियां फोकस करने लगी कई सारे कंपनियां आर एंड डी जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने लगे उस समय दोस्तों टेस्ला भी क्या था टेस्ला भी हमारा क्या फोकस कर रहा था वो डेवलपमेंट टेस्ला हो गया निशान हो गया हमारा कंपनी जो निशान लिफ है और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट हाईवे पे वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को उतारने लगे देखने लगे उस पर रिसर्च होने लगा उसके बैटरी के कॉस्ट के ऊपर फोकस होने लगा चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सके ये दोस्तों जो जो हमारा ये चार्जिंग वाला है ये जो हमारा चार्जिंग वाला है और उसके साथ साथ जो बैटरी वाला है जो चार्जिंग वाला है प्लस उसके साथ साथ हमारा बैटरी वाला दोनों एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा डेवलप होने लगा कहाँ कि हमारा ये जो चार्जिंग ये सारा कुछ एस्पेक्ट था वो क्या होने लगा हमारा डेवलप होने लगा किस में मॉडर्न इरा में तो मॉडर्न इरा में ये सारा कुछ डेवलप होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक स्पार्क मिला जिससे वो क्या हो गया वहाँ से डेवलप होने लगा फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टिपिंग पॉइंट लास्ट जो अभी लास्ट आज तक भी वो चले आ रहा है टिपिंग पॉइंट हम 2021 से आज तक चले आने पे हमने देखा कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इवॉल्व हुआ दोस्तों कैसे उसका जो सेल्स है दोस्तों उसका जो सेल है वो अराउंड थ्री परसेंट हो गया जितने भी आज के समय लोग न्यू व्हीकल खरीद रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमको ग्लोबल लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर हमको कहीं ना कहीं राइज होने को नजर आया है तो ये कह सकते हैं आज के समय हमको इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए इको फ्रेंडली के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों हमको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम क्या देख रहे हैं उसके मार्केट के ऊपर देख रहे हैं उसका जो प्राइस है डे बाई डे क्या हो रहा है दोस्तों प्राइस डे डे डिक्रीज हो रहा है और हमारा जो कंज्यूमर का डिमांड क्या है वो भी इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है उस पर गवर्नमेंट भी दोस्तों क्या कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है फॉर एग्जाम्पल फेम नाम का एक इनिशिएटिव है जो आगे हम देखेंगे कैसे ही इस गवर्नमेंट फास्टर एडोप्टेशन जो हमारे मैकेनिक्स है कैसे उसके लिए भी फोकस कर रही है सब्सिडाइज कर रही है कि हमको कहीं कही ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली के बारे में बात करना है अब ये पिक्चर आप देख सकते हैं कैसे हमारा ये स्टार्टिंग फेज जो स्टार्टिंग फे, सॉरी नहीं कह सकते जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पार्क स्पार्क था दोस्तों यानी क्या, क्या यहीं पर से हमारा क्या लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन भी हमारा स्टार्टअप हुआ था वहीं से जो जो स्टार्टिंग में अगर बात करें ये इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में देखने को मिला हाईवे पे देखने को मिला उस समय क्या था निशान एक निशान लिफ्ट कंपनी एक है दोस्तों निशान जो हमारा लीफ कंपनी है वो कहीं कही ना कहीं मार्केट में देखने को मिला वो इलेक्ट्रिक कार निकाली दोस्तों उस समय जो इलेक्ट्रिक वार कार का हमारा जो पैकेज था यानी पैक कर सकते हैं जो एल... कि इसका जो पावर रेटिंग था दोस्तों वो 24 किलो वाट पावर रेटिंग पैक का बैटरी था उसका उस समय जो दोस्तों स्पीड था वो कह सकते हैं नाइन्टी जो हमारा माइल जो नाइन्टी थ्री हमारा है वो पर थर्टी मिनट था उसमें उस स्पीड उतना डेवलप नहीं हुआ था लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं कैसे ये डेवलप हुआ दोस्तों टू में ये डेवलप 2015 में फिर वही निशान लीफ हमारी जो कंपनी थी वही डोमिनेट कर रही थी फिर उसके बाद 2016 में दोस्तों हुंडई जो हुंड़े, आप सुने होंगे नाम हुंडई का वो भी हमारा क्या होने लगी मार्केट में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कार को क्या होने लगी ला, लाने लगी तो कैसे देख रहे हैं उसका जो हमारा रेंज है दोस्तों वन माइल पर थर्टी मिनट फिर उसके बाद हमारा जो दोस्तों उसके बाद टू में जैगवार हो गया फिर उसके बाद टेस्ला भी दोस्तों टू में एंट्री करती है ऑडी ईट्रॉन कंपनी भी जो दोस्तों कहीं ना कहीं तो आज के समय हमारा देखिए ये 2019 में हमारा क्या हुआ कहीं कही ना कहीं उसका जो 246 माइल पर 30 मिनट दोस्तों ये हमको देखने को मिलता है प्लस उसके साथ साथ कहीं कही ना कहीं उसका जो पैक हमने देखा है जो बैटरी का पैकेज 100 किलोवाट का पैक हमारा इवॉल्व हुआ है वहीं ऑडिट्रॉन भी 95 फाइव के डब्ल्यू एच पैक हमारा किलोवाट वॉट पैकेज कहीं ना कहीं वो क्या किया है डेवलप किया है लेकिन दोस्तों हमारा टारगेट है क्या कि 300 हंड्रेड किलो तक का हमको पैक डीसी पैक हमको करना है और उसके साथ साथ टू माइल पर मिनट पर 15 मिनट दोस्तों ये हमारा क्या है? आज के समय का हमारा ये टारगेट है तो आप देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा कैसे कॉमर्शलाइजेशन क्या हुआ इवॉल्व होते नजर आया है फिर अगर देखिए ये कई सारे उसी के हमारे हिस्ट्री हैं जैसे जो आपको हम बताएं कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे मार्केट में आया ये इसी सब के बारे में है दोस्तों ये जैसे हमने बात किया था इनो कैसे 1800 में केवल तीन कंट्रियाँ थी इंग्लैंड ना, हंगरी नैदरलैंड यूएस उसके ऊपर फोकस कर रहे थे फिर कैसे उन्होंने कैसे स्पीड को रीच किया पहली बार आपको बताए थे चौदह माइल पर आवर हमारा रेट था दोस्तों फिर उसको हम धीरे धीरे कैसे उसको और इंक्रीज किए फिर हमको देखने को मिला बाद में क्या डार्क एज भी हमारा आया और आज के समय आप देख रहे कि कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कई सारे सेवरल फैक्टर की वजह से क्या हुआ है ग्रो अप नजर आया है दोस्तों पहला तो इन्वामेंटल कंसर्न लोग आज के समय क्या हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है हमारी इंक्रीज कर रही है जिससे हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है इसलिए हम क्लीनर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की तरफ एक जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों फिर उसके बाद हमने कई सारे इसके इसके इसमें बैटरी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखा फिर कॉस्ट कैसे इसको सेव कर सकते हैं करेंटली अगर आज के समय बात करें दोस्तों तो थ्री परसेंट न्यू व्हीकल हमारा क्या हो रहे हैं सेल हो रहे हैं ये डेटा दोस्तों टू थाउजेंड ट्वेंटी का है आज के समय और ये ग्लोबली इंक्रीज हो सक, हो गया है दोस्तों तो ये ऐसे कई सारे हमारे क्या है ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल का दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडस्ट्री का कॉमर्सलाइजेशन का दोस्तों ये टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट है फिर उसके बाद हम अगर बात करें कि कैसे ये देखिए ये देखिए वही चीज़ है हमारा कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडस्ट्री है कैसे वो डेवलप हुई है फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिक सेल्स जो हमारा है इसका क्या बताता है वो बताता है एक डेटा है 2023 का दोस्तों रिसेंटली का डेटा है ये ये बताता है कि हर कार पा हर पांच कारों में से एक कार जो है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है इलेक्ट्रिक कार है तो कहीं ना कहीं इसका जो सेल है दोस्तों चौदह मिलियन तक बढ़ गया है इसके मेन जो हमारे जो एक्सपोर्टर है दोस्तों चाइना डोमिनेट कर रहा है यूरोप डोमिनेट कर, कर रहा है यूएस डोमिनेट कर रहा है ये तीनों कंट्री मिलकर दोस्तों नाइन्टी तक ये क्या कर रहे हैं अकाउंट कर रहे हैं इस सेल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दोस्तों और इसका अगर बात करें इसका जो इसका जो मार्केट में स्टॉक बन

मिलियन हो जाएगा दोस्तों सत्रह मिलियन यानी हो रही थी लेकिन हमारा टारगेट क्या है हमको मोर देन वन कार करना होगा यानी हमको आज की, आज अगर बात करें ट्वेंटी का तो हर पांच कार बिकने वाले में से हमारा दो तीन कार क्या करना होगा हमको इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल करना होगा तो इस बढ़ती ते हुए रैपिडली इंक्रीजमेंट को डेवलपमेंट को इकोनॉमिक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमको कहीं कही ना कहीं इसको क्या करना है और एक्सप्लोर करना है अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का तो इसको इसमें हम करंट सीनारियों जैसे आप दे आपको बताएं कि कैसे अब इंडिया के बारे में अगर बात करें कि इंडिया में कैसे इसके अलिए हम अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर, कर सकते हैं गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसी हैं कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं एडवांस कर सकते हैं तो इसके कई हम तो हम सारे हमको क्या नज़र आए कई सारे फैक्ट अगर हम सीनारियों के बारे में बात सपोज़ जैसे हमारा करंट सीनारियो का बात करें कि जो हमारा मार्केट पेनेट्रेशन है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का टोटल हमारा पांच परसेंट टोटल व्हीकल हमारा सेल हुआ है नियर अबाउट ये अक्टूबर और सितंबर 2023 का दोस्तों रिजल्ट है तो उसमें जो कंपनी थी कौन सी थी टाटा पंच ईवी आज के समय आप आईपीएल भी देखते हो उसमें क्या पर्चा रहता है टाटा पंच ईवी का दोस्तों उसका भी रेट काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है देखिए टेन पॉइंट नाइन नाइन लाख में मतलब अधिक न्यूनतम कह सकते हैं ग्यारह लाख में लाख में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जा रहा है जो कि एक फाइव सीटर है दोस्तों फिर उसके बाद एम जी है वो तो काफ़ी अफोर्डेबल है सिक्स पॉइंट लाख में वहीं टाटा नेक्जोन ईवी थोड़ा हायर अफोर्ड लग्जरियस कार में आता है जो कि हमारा पंद्रह लाख के करीब है दोस्तों अगर बात करें फ्यूचर प्रोजेक्शन का दोस्तों तो ये 49% हमारा कंपाउंडली क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है तो ये कई सारे इनिशिएटिव आप पढ़ सकते हैं जैसे एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एकेटीयू में अधिकतर पूछता है दोस्तों क्या है फेम इनिशिएटिव ये फेम क्या है दोस्तों फेम का फुल फॉर्म क्या है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अब हाइब्रिड का मतलब क्या है दोस्तों कि वो इलेक्ट्रिक से भी चले प्लस फ्यूल से भी चले प्लस हमारा जो उसके साथ जो हमारा गैसोलीन था उससे भी वो चले दोस्तों ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रमोट करती है कहीं ना कहीं हमको कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करना है एडॉप्ट करना है उसको सब्सिडाइज करती है उसको टैक्स में बेनिफिट देती है दोस्तों उसके चार्जिंग जो हमारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों उसके ऊपर भी ये क्या करती है फोकस करती है तो वहीं अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें वही हमारा चैलेंजेस है दोस्तों चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है बैटरी टेक्नोलॉजी हमको और इम्प्रूव करना है जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको इनकरेज करना है कि कैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करें दोस्तों इसके ऊपर हमको हमारा आर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों फोकस कर रहा है कि कैसे इस बैटरी टेक्नोलॉजी को उसके रेंज को इम्प्रूव करें दोस्तों उसके रेंज को उसके एफिसियंसी को इंक्रीज करें और हमारा जो कॉस्ट है प्राइस है उसको काफी अफोर्डेबल बनाए तो कह सकते हैं इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जर्नी है काफी अपवर्ड टेजेक्ट्री हमको नजर आता है दोस्तों तो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट का कि क्या अडोप्टेशन है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या सेवरल चैलेंजेस है अगर उसको हम एडॉप्ट करते हैं पहले जैसे हम आप आपको बताएं कि कैसे जो हमारा वो ये जो टाइम लेता है इसका जो हमारा दोस्तों क्या है स्टार्टअप जो हमारा स्टार्ट का है जो एक इसको करते नहीं है कि हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है जो हमारा क्या होता है उसको पिक टाइम जो बोलते हैं हम उसको अचीव करने में उसको टाइम थोड़ा लगता है तो कहीं ना कहीं हमको इसको क्या करना होगा इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारे प्राइस है दोस्तों इस सब चीज़ों पे कहीं कही ना कहीं इस पर एकदम एक मेन्यू मतलब एक ऐसे लेवल पे लाने के लिए टाइम लगेगा दोस्तों कि जो एक जनरल आदमी भी हो एक मिडिल क्लास फैमिली तक का हो वो भी इसको क्या कर सके एडोप कर सके एडजस्ट कर सकते इसलिए हमको कहीं कही ना कहीं इसमें हमको फोकस करना है फिर उसके बाद लिमिटेड चॉइस यस दोस्तों ये भी एक क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक वैन जो हमारा इलेक्ट्रिक वैन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव शुरू में हो रहे हैं डीजल वैन के अलावा डीजल वेल अगर हम वही डीजल कार या डीजन दे, वैन देखें तो वो कहीं कही ना कहीं चीपर अभी नजर आ रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी हमको ये टाइम लगेगा और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी आपको पता है कि बैटरी मैनेजमेंट गड़बड़ है अभी थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है प्लस उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहीं कही ना कहीं हमको नजर आती है एक चैलेंजेज में फिर उसके बाद करें अफोर्डेबिलिटी दोस्तों तो आपको बताएं कि शुरू में कॉस्ट इसका ज्यादा है अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा इसको डेवलप करने में वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड कैपेसिटी दोस्तों हम डेवलप कर रहे हैं वी टू जी यानी

बात करें एक केस स्टडी का दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो अधोपुरा और अधो पूरा का है 132 किलो स्टेशन का वो बताता है कि कैसे लोग जो हमारा डिमांड है दोस्तों जो मॉर्निंग के टाइम में जो उसको हम कहते हैं ऑफ टाइम दोस्तों उस समय डिमांड हमारा एट्टी मेगावाट का था लेकिन वहीं हमारा पीक टाइम में ये बढ़ जा रहा है तो हमको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा हमको जो ये चार्जिंग वाला सिस्टम है ये सबको हमको पीक ऑफ पिक टाइम में हमको क्या करना ऑफ पिक टाइम क्या होता है जब हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहे हो वो कम यूज हो रहे हो तो उस उसके ऊपर हमको क्या करना है उसके ऊपर हमको फोकस करने की जरूरत है दोस्तों तो यही चीज़ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हम बात कर लिए कि हमने क्या किया 650 चार्जिंग स्टेशन है दोस्तों वहाँ पे हमारे पास हमने लेकिन वहीं हमको हमारे पास जब गाड़ी का बात करें उसके पास से वो हमारे क्या है चार सौ छप्पन के आउटलेट हैं दोस्तों गाड़ी इतने ज्यादा हैं लेकिन चार्जिंग स्टेशन ये सारा कुछ आपको ये हम आपको बता चुके हैं ये फेम पॉलिसी भी दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि फेम पॉलिसी क्या है वहीं अब सर्वे का बात करें कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है देख रहे हैं इंडिया का रेट कितना डाउन है जीरो ये दोस्तों ट्वेंटी ट्वेंटी का रिपोर्ट है लेकिन आज के समय मान लीजिए तीन चार परसेंट हमारे क्या हो गए होंगे इंक्रीज हो गए होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है में वी नीड टू बी फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों खासकर हम लोग को और फोकस करना होगा दोस्तों बिकॉज वी वी आर आर द यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंट वहीं अगर स्टेट का बात करें दोस्तों तो स्टेट में दिल्ली और दोस्तों ये कर्नाटका हमारा कर्नाटका आठ परसेंट है वहीं और दिल्ली हमारा जो है टेन परसेंट और ये सब स्टेट क्या है ये छोटे लेवल पर स्टेट है एक परसेंट दो परसेंट इन इनके लेवल पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है कि जो है जो मतलब लिटरेट जो लिटरेसी रेट है जहाँ ज्यादा जा, है इंक्रीज है वही हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी क्या हो रहा है दोस्तों वो भी हमारा वहीं क्या हो रहा है ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको हमको क्या करना है फोकस करने का जरूरत है दोस्तों वहीं अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक का जो इसी यूनिट का है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे इस यूनिट में पूछता क्या है दूसरा क्वेश्चन पूछता है इंटरनल कंबंसन इंजन ये क्या है इसको हमको क्या करना होगा कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल से दोस्तों तो इसके बारे में बात करते हैं देखिए पहला क्या है अगर हम जो हमारा पहले क्या है इंटरनल जो कम्बंसन इंजन है वो क्या है दोस्तों इंटरनल कम्बंसन इंजन हमारा क्या है इंटरनल कम्बेंशन इंजन वही है जो हम फ्यूल जो वहां पर क्या यूज करते हैं जहां पर हम फ्यूल यूज करते हैं वही हमारा क्या है इंटरनल कम्बंशन इंजन वही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारा पावर सोर्स क्या हो बैटरी हो ये सब हो तो वही हमने सोर्स ऑफ पावर का बात किया कि फ्यूल लाइक जो हमारे आई इंजन इंटरनल कम्बेंसन इंजन होता है वहीं पे हम डीजल यूज करते हैं पेट्रोल यूज करते हैं वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम डिपेंड होते हैं बैटरी के ऊपर जो हमारे कैपेसिटी है उसके ऊपर हम डेवलप होते हैं वहीं प्राइम ओवर का बात करें जो प्राइम ओवर है दोस्तों उसमें क्या होता है जो हमारे प्राइम ओवर में जो हमारा आई सी ई का है वो इंटरनल कंबंसन इंजन के थ्रू रन होता है लेकिन वहीं हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू रन होता है किसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इसके स्पेसिफिक स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बात करें तो हमारा जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो फ्यूल से मिलता है दोस्तों आई को वहीं हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बैटरी से मिलता है उसका जो इसका जो एनर्जी इस रेट है आई का वो काफी ज्यादा है उसका एफिसिय भी दोस्तों क्या है ज्यादा है और वहीं अगर पावर डेंसिटी का बात करें तो पावर डेंसिटी किसका ज्यादा है हमारा दोस्तों आई इंजन का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी लो डेंसिटी है अगर बात करें इन्वामेंट का जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो आई व्हीकल में जो हमारा जो वहाँ से क्या होता है ग्रीन हाउस इमिट करता है दोस्तों जो कि इन्वायरमेंट को हार्म होता है वहीं जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उस पर कोई भी उसका रिपोर्शन हमको नहीं नजर आता है वहीं ट्रैवलिंग डिस्टेंस का बात करें दोस्तों ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमारा क्या है जितना आप एक बार फ्यूल करेंगे तीन माइल्स चलेंगे लेकिन वहीं हमारा क्या है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का हंड्रेड मील्स है काफ़ी लो है दोस्तों इसी के ऊपर हमको क्या है उनको फोकस करना है इसका रीफीलिंग का बात करें आपको काफ़ी जल्दी दोस्तों पाँच मिनट में आपका टंकी फुल हो जाता है गाड़ी का वहीं हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या है वो टाइम लेगा आठ घंटे तक भी मैक्सिमम ले सकता है दोस्तों वहीं उसके वेट का बात करें दोस्तों अगर हमारा फुल टैंक रहेगा तो फुल टैंक भी हमारा क्या है कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्योंकि बैटरी बैंक वहाँ पर ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा रहेगा दोस्तों मेंटेनेंस का बात करें तो हमारा क्या है आई में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस हमारा जो आई में वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस है उसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों काफ़ी चीप है अफोर्डेबल है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है दोस्तों अगर वहीं हम बात करें कई सारे और टर्म का एफिशिएंसी का तो एफिशिएंसी में क्या है दोस्तों एफिशिएंसी में हमारा जो एफिशिएंसी ज़्यादा है किसका दोस्तों हमारे आई इंजन का जो हमारा एफिशिएंसी लेकिन ये एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में बात है दोस्तों कितना हमारा बर्न हो रहा है उसके लेकिन इसका आई इंजन का एफिसियंसी दोस्तों केवल तीस है मतलब अगर सौ आप बन कर रहे हो फ्यूल तो 30 परसेंट आपको केवल क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है लेकिन वही हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर का तो हमको 80 परसेंट दोस्तों 80 परसेंट काफी ज्यादा है एट्टी परसेंट तक हमको एफिशिएंसी देखने को मिलेगा वहीं हम नॉइज पॉल्यूशन का बात करें तो ये नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा आईसी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होगा ऑपरेंट साइलेंटली वर्क करेगा आप देखते होंगे फिन बैट ब्रेकिंग जो एनर्जी है दोस्तों आई इंजन में जो हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी है दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो नहीं यूज होता है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है अगर आप ब्रेक भी लगाओगे ना तो उससे क्या होगा हमारा बैटरी क्या होगा चार्ज होगा दोस्तों अब बात करें मैक्सिमम टॉर्क का दोस्तों तो ये ऑब्वियस सी बात है आईसी व्हीकल में हमारा जो टॉर्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों हमारा क्या होगा इसका इंस्टेंट टॉर्क जो होगा वो ज़्यादा तो रहेगा लेकिन उतना भी नहीं कॉस्ट का बात करें दोस्तों इनिशियल लेवल पर आई में क्या होता है एवरेज कॉस्ट होता है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा है पावर ट्रांसमिशन का बात करें दोस्तों तो आईसी इंजन में केवल मैकेनिकल पावर ट्रांसपॉ ट्रांसमिशन होता है लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा दोस्तों क्या होता है मैकेनिकल भी होता है और

इसलिए हम कह सकते हैं कहीं कही ना कहीं हमारे माइंड को हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंट पॉपुलेशन को दोस्तों हमको किसके ऊपर फोकस करना है इलेक्ट्रिक वेकल के ऊपर फोकस करना है जिससे हमारा क्या हो सके दोस्तों हमारा इनवायमेंट जो है दोस्तों वो हार्म होने से बच सके दोस्तों ये यह आप फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आई सी ये हमारा आई सी ई इंजन का है दोस्तों ये हमारा आई सी ई इंजन का यूज है देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप गए एनर्जी आपको मिला फ्यूल आपने करवाया यहाँ पे टंकी पे से जाके आप एट्टी एट यूनिट आपने यहाँ पे क्या किए एनर्जी डिलीवर किए यहाँ पे लेकिन जो एनर्जी वेस्ट कितना जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए जूम कर दे रहे हैं थोड़ा देखिए दोस्तों ये ये देखिए आपने 100 यूनिट डलवाया उसमें 88 एट यूनिट आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ फिर वहां से क्या हुआ 75 फाइव यूनिट दोस्तों हमारा क्या जा रहा है वेस्ट जा रहा है दोस्तों ये टोटल काफ़ी ज़्यादा लॉस है दोस्तों इसका 80 परसेंट एफिशियंसी क्या हो रहा है लॉस हो जा रहा है वहीं केवल यूजफुल एनर्जी कितना हो रहा है तेरह इन तेरह यूनिट वहीं अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का एट्टीन यूनिट उसको मिला ट्रांसमिशन लॉस में हमारा वन यूनिट गया डिलीवर कितना हुआ सत्रह यूनिट सत्रह यूनिट इसे डिलीवर हुए और वो तीस यूनिट तेरह अरे सॉरी तेरह यूनिट क्या किया यूजफुल किया यानी क्या है दोस्तों हमारा केवल लॉसेस बहुत ही कम है यहाँ पे काफ़ी कम हो जा रहे हैं केवल तीस परसेंट हमारे क्या हो रहे हैं लॉसेस हो रहे हैं बाकी हमारा जो सत्तर अस्सी परसेंट है हमारा क्या एफिशिएंसी क्या हो रहा है दोस्तों इंक्रीज हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को दोस्तों यूज करने के लिए कंपेरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम बात करें बैटरी के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइप्स है वो बैटरी इलेक्ट्रिकल टाइप्स है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइप, टाइप. इसमें क्या होता है दोस्तों इसमें हम इलेक्ट्रिक बैटरी यूज करते हैं इसमें कोई भी इंटरनल कम्बन्सन इंजन आई इंजन हम यहाँ पे क्या करते हैं यूज नहीं करते हैं इसका जितना भी पावर है जितना भी इसे पावर मिल रहा है वो बैटरी से डायरेक्ट मिल रहा है किसके फॉर्म में चार्जेबल के फॉर्म में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के फॉर्म में दोस्तों तो ये कई सारे एग्जाम्पल इसके हैं देख सकते हैं टाटा नेक्जियोन ईवी है हुंडई फोन है टाटा कई सारे यहां पे एग्जाम्पल है जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं वही हमारा क्या है एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड में क्या है दोस्तों हम इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक बैटरी भी यूज कर रहे हैं प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा आई इंजन है इंटरनल कम्बन्सन इंजन है उसे भी हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों कि हमारा जो एडवांटेज क्या है कि अगर हमारा कहीं इलेक्ट्रिक खत्म हो गया हमारा बैटरी का पावर डिस्चार्ज हो गया तो आप वहाँ से फ्यूल से भी उसे रन कर सकते हैं तो वहीं है यहाँ पर देख सकते हैं इसके कंपोनेंट बैटरी पैक इलेक्ट्रिक मोटर इन्वर्टर कंट्रोल मॉड्यूल ड्राइवर ट्रेन ये ड्राइवर ट्रेन क्या होता है दोस्तों ड्राइवर क्या करता है स्पीड को क्या करता है इंक्रीज कर देता है दोस्तों वही का ही सारे इसके एग्जाम्पल भी है टाटा होंडा जो हमारे फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड है वो फिर उसके बाद अगर बात करें प्लग इन हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लग इन हाइब्रिड हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है ये भी दोस्तों हमारे क्या है, है जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल उसी टाइप है लेकिन यहाँ पे जो हमारा बैटरी का जो बैटरी है वो काफ़ी लार्जर होता है लार्जर पार्ट होता है बैटरी का और हमारा जो फ्यूल होता है उसका लोअर पार्ट होता है उतना यूज नहीं होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अधिकतर इलेक्ट्रिक मूड में ही होता है जैसे ऑल इलेक्ट्रिक मूड क्या होता है हमारा दोस्तों ये हमारा जैसे मान लीजिए आप कभी कभी क्या होता है शॉर्टर के लिए जाना है तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मूड यूज कर लिए और लॉन्गर ट्रिप के लिए आप क्या कर लिए आईसी यूज कर लिए तो इसके भी कई सारे एग्जाम्पल जैसे बीएमडब्ल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीएमडब्लू ने क्या किया इंक्रीज किया इसको यहाँ पे जो हमारे हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये डेवलप किया है फिर वही हम बात करें जो हमारे फ्यूल सेल व्हीकल हैं दोस्तों फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्यूल सेल जो कि पावर डिराइव किसके द्वारा है केमिकल एनर्जी यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं दोस्तों फ्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करते हैं और प्लस उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो रहेगा ही दोस्तों यही काम क्या करते हैं बैटरी ये हमारा जो बैटरी है वो हमारा हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक जो हमारे ऑक्सीजन फ्यूल है उनके द्वारा क्या होता है यूज़ एज ए दोस्तों उसको रन करने के लिए देखिए लिखा है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल कई सारे हैं टोयाटा हैंडई है होंडाइड है, है तो हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें टाइप्स के अपने प्रायोरिटाइज के हिसाब से अपने ड्राइविंग रेंज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डिफरें अपने कॉस्ट के इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी टाइप्स है देखिए पैरलर हाइब्रिड में क्या है पैरलर हाइब्रिड देख रहे हैं मोटर एक तरफ कन्वर्ट है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं मोटर कन्वर्ट convert है कन्वर्टर यहाँ पे देखिए बैटरी है बैटरी क्या दे रहा है डीसी दे रहा है वो कन्वर्ट करके एसी से मोटर को सप्लाई दे रहा है वहीं मोटर सप्लाई क्या कर रहा है दोस्तों हमारा एक व्हीकल जो हमारा है वो हमारा रोटेट कर रहा है वहीं इंजन क्या है दोस्तों यहाँ पेट्रोल से डायरेक्टली कनेक्ट है इंजन वो रन करेगा हमारा वह गाड़ी आगे बढ़ेगा अब वहीं सीरीज हाइब्रिड में क्या है दोस्तों यहाँ पे दोनों हमने क्या किया है बैटरी से कन्वर्टर करके मोटर तक कर दिया है फिन वही अगर हमको एनर्जी सप्लाई अगर मान लीजिए देना होगा तो वही पेट्रोल से दोस्तों हम इंजन रन होगा और जनरेट करेगा और कन्वर्टर से क्या होगा एसी में हमारा ये होगा इसे हम क्या बोलते हैं सीरीज टाइप कि दोस्तों अगर हमारा बैटरी रहा तो बैटरी चलेगा पेट्रोल ख, बैटरी खत्म हो गया तो डी पेट्रोल से हमारा चलेगा अब वहीं हम फ्यूल सेल हाइब्रिड में आ जाए तो फ्यूल सेल हाइब्रिड में क्या हो रहा है दोस्तों देखिए जो हमारा इससे भी फ्यूल सेल हाइब्रिड में हमारा जो भी बैटरी चार्ज होगा किसके थ्रू होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो केमिकल रिएक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके थ्रू हमारा क्या होगा बैटरी चार्ज होगा फॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे फ्यूल सेल हाइब्रिड में हमारा चार्ज हो रहा है वहीं सीरीज पैरलर हाइब्रिड में क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हो रहा है सीरीज पैरलर हाइब्रिड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटर हमारा तो यहाँ कनेक्ट है बैटरी से डायरेक्ट में वहीं हमारा क्या है एक हमारा जो एक हमारा जो पहिया एक व्हील है वो हमारा इंजन से भी कनेक्ट है कि कैसे इंजन अगर देगा सप्लाई दे रहा है तो वो जनरेटर भी इसक, इसको दोनों एक साथ रन करेंगे अगर बैटरी लो हो जाता है तो जनरेटर पावर सप्लाई कन्वर्टर को देगा कन्वर्टर मोटर को देगा दोस्तों दोस्तों तो इसे हम क्या बोलेंगे सीरीज हाइब्रिड सिस्टम यहीं कई सारे ऑल हैं जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो कैसे हमारा स्टार्टिंग में पहले क्या होगा पहले हम स्टार्टिंग में बैटरी से हमारा क्या पहले आप यहां से क्या कर रहे हैं देखिए पहले हमारा इलेक्ट्रिक मोटर रन कर रहा है जो हमारा ये सिंपल फ्लो डायग्राम है दोस्तों कि कैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो पावर यहाँ पे देखिए इंटरनल कम्बलसन इंजन है वो क्या कर रहा है वो स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर को क्या कर रहा है रन कर रहा है तो वहीं से हमारा क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है बैटरी भी चार्ज हो रही है जब स्टॉप होता है तो हर चीज़ स्टॉप हो जाता है लेकिन वहीं अगर हम बात करें पावर फ्लो कैसे हमारा ब्रेकिंग और क्रसिंग वाला सिस्टम है तो पावर देखिए पासिंग में क्या हो रहा था जब हमारा पहले स्टार्टिंग में किससे आईसी से मान लीजिए बैटरी से चल रहा है तो बैटरी पावर प्रोवाइड करेगा फिर पावर हमारा पावर ट्रेन के हमारा रन होगा लेकिन वही हमारा ब्रेकिंग में क्या हो रहा है जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है बैटरी चार्ज हो रहा है दोस्तों ये एक अफोर्डेबल सिस्टम है दोस्तों वहीं क्रशिंग में हमारा क्या हो रहा है जब हमारा क्रशिंग में क्या हो रहा है जब हमारा बैटरी ख़त्म हो जा रहा है तो जो इंटरनल कम्बलशन जो हमारा इंजन है वो मोटर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब एनर्जी मोटर को प्रोवाइड करेगा तो बैटरी भी चार्ज होगा हमारा पावर ट्रेन भी रन होगा दोस्तों तो ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट थे हमारे हाइब्रिड के वहीं ये सिम्पल डाइग्राम देखिए जो मैकेनिज़म है क्या बैटरी हमारा क्या हो रहा है चार्ज है बैटरी इन्वर्टर के थ्रू क्या हो रहा है डी से हमारा क्या हो रहा है ए में कन्वर्ट हो रहा है और ए यहाँ मशीन लगा है, जो इलेक्ट्रिकल मशीन है मोटर है वो रोटेट करेगा जिससे हमारा क्या होगा ये हमारा जो मोटर है व्हील है वो क्या होगा दोस्तों ड्राइव करेगा यानी हमारा आगे बढ़ेगा ये सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों तो यहीं अगर कंपेयर का बात करें कि कंपेयर अगर कर लें तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके कंपोनेंट मोटर थे वही हैवी जो हमारा जो हमारा सॉरी यहाँ पे जो हाइब्रिड वाला था वहाँ पे मोटर और आई दोनों था ये सिंपल वही रिपीट है दोस्तों एनर्जी सोर्स भी इसका बैटरी और अल्ट्रा कैपेसिटर है लेकिन यहाँ पे फ्यूल वाला भी एड हो गया था इसके फीचर्स का ऐमन कोई भी इमिशन नहीं होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा इमिशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट रेंज इसका शॉर्टर होगा ये कई सारे इसके फीचर्स है दोस्तों जो हमने डिस्कस करके अब देखिए मेन बात जो आता है कहा आता है प्रॉब्लम पे दोस्तों जो हमारा बै, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्राइस प्राइस क्या होगा बैटरी का जो प्राइस हो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रेंज उसका है प्राइस ज्यादा है चार्जिंग स्टेशन नहीं है लेकिन वहीं हमारा जो हाइब्रिड है उसके मैनेजमेंट का दोस्तों कॉस्ट है केवल मेंटेनेंस उसका काफी ज्यादा है क्योंकि दोनों चीज है दोस्तों यहीं पर तो ये कई सारे फिन फ्यूल में भी हम देखे थे कैसे फ्यूल सेल यूज करते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमको यहां पर लगेगा जो हाइड्रोजन और जो हमारा ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम दोस्तों क्या कर रहे थे इनके द्वारा हम जो हम फ्यूल बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे तो ये हमारे कुछ एस्पेक्ट है पार्ट टू में हम, different, different, iske, ही है two, में हम में बात करेंगे व्हीकल के, के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा अभी तक पार्ट वन होता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा हो थैंक यू दोस्तों काफी वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा प्लस उसके साथ साथ आप बताइएगा कैसा ये वीडियो लेक्चर लगा दोस्तों तो, थैंक यू जय हिंद